हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सनशाइन ऑटो भोपाल पर आज आपका फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे किया की कैरेंस कार, जो कि बेसिक वेरिएंट है और इसके अंदर हम सारी एसेसरीज इंस्टॉल करेंगे विद म्यूजिक सिस्टम, और साथ में हम जो इसके अंदर आइटम यूज़ करने वाले हैं उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे एंड्रॉइड स्टीरियो की, जो कि हमारा BBT ब्लॉकबस्टर का हमारा एंड्रॉइड है, और इन्फिनिटी रिफ्रेंस के कंपोनेंट और कोएक्सियल स्पीकर इसमें हम यूज़ करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, फ्रंट में हम 450 वाइट के कंपोनेंट स्पीकर यूज़ करेंगे और रियर में 165 वाइट के रियर में यूज़ करेंगे। और साथ में हम ये वाइडर प्रूफ रिंग भी इंस्टॉल करने वाले हैं स्पीकर के साथ। ये हमारा एंड्रॉइड फ्रेम है, ये कैरेंस का फ्रेम है जो कि सूटेबल कैरेंस का ही है प्रॉपर, और फिटिंग भी प्रॉपर होने वाली है। और ये हमारा सॉकेट है जिससे हम कनेक्शन करेंगे, इसमें कोई वायरिंग कटिंग नहीं की जाएगी। और हमारा मोको कंपनी का 156 वॉट का हेडलाइट लैंप हम इसमें यूज़ करने वाले हैं, जो कि हमारी हेडलाइट के अंदर शार्पनेस और काफ़ी क्लियर रोड आपको इसमें देखने वाला है इसको फिट करने के बाद। और नेक्स्ट आइटम की हम बात करते हैं, जो कि हमारा क्वार्टर ग्लास फ्रेम है, जो कि बेस वेरिएंट के अंदर कंपनी लगा करके नहीं देती है। तो इसके अंदर हम लोअर गार्निश 6 पीस विद क्वार्टर ग्लास इंस्टॉल करने वाले हैं। पर कैरेंस का क्वार्टर ग्लास ये आपको देखने को मिलता है, MRP इस पर 1400 रुपये आप देख सकते हैं। और हमारा ये स्टीयरिंग कवर है, साथ में सीट कवर भी हम इंस्टॉल करेंगे। तो आइए हम आपको ले चलते हैं सीधा गाड़ी के पास। ओके, आप इसके अंदर वेंटिलेशन पंच देख सकते हैं और कैरेंस की बैजिंग आप इसमें देख सकते हैं, प्रॉपर कट टू कट काम होने वाला है। इंटीरियर की बात करें तो कंपनी ने किसी प्रकार का कोई सीट कवर दिया नहीं है, डायरेक्ट सीटें हैं, पन्नी लगी हुई है। तो हम बकेट फिटमेंट के साथ हमारा फुल ब्लैक लेदर टच सीट कवर इंस्टॉल करने वाले हैं। काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का ये सीट कवर है, काफ़ी रीजनेबल रेट पर हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। फ्लोर की बात करें तो फ्लोर के अंदर ये अभी हम सीटें इसकी बाहर निकाल लेते हैं, और फ्लोर के अंदर हमारा लैमिनेशन मैट यूज़ करेंगे, जो कि वन पीस के अंदर आगे से पीछे तक इसके अंदर लैमिनेशन मैट यूज़ करने वाले हैं, जिससे हमारा कारपेट साफ़ रहेगा और किसी प्रकार की कोई गंदगी इस पर नहीं लगेगी। पानी से और डस्ट से ये वाटर प्रूफ डस्ट प्रूफ दोनों होने वाला है। हमारा लैमिनेशन है कारेंस का, जो कि ये हमारा डिग्गी का पीस है, और इसके अंदर जो टेक्सचर है लेदराइट टेक्सचर है, साफ सफाई के अंदर काफ़ी बढ़िया रहने वाला है, किसी प्रकार की रोक नहीं है डस्ट की या पानी की, और इसको आप इजीली कपड़े से या ब्रश से साफ कर सकते हैं और धो भी सकते हैं। स्टेयरिंग कवर की बात करें तो किसी प्रकार का कोई स्टेयरिंग कवर नहीं है, तो हमारा लेदराइट स्टेयरिंग कवर इसके अंदर फिट होने वाला है, जो कि अच्छी ग्रिपिंग के साथ मोको कंपनी का स्टेयरिंग हम इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं। मंड स्टार सिलाई के अंदर हम इसको स्टिच करने वाले हैं यहाँ से पूरा कॉर्नर से। और तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा ये एंड्रॉइड फ्रेम हमने इसका खोल लिया है, और ये वायरिंग सॉकेट आप देख सकते हैं, इसके अंदर हम कपलर के थ्रू विदाउट वायरिंग कटिंग एंड्रॉइड इंस्टॉल करेंगे, जैसा कि आप इसके अंदर वीडियो में आगे देखेंगे। और ये पूरा फ्रेम हमने इसको खोल लिया है, और इसकी जगह पर हम हमारा 9 इंच का एंड्रॉइड फ्रेम यूज़ करने वाले हैं, जो कि प्रॉपर कारेंस का है, और किसी प्रकार की कोई वायरिंग कटिंग या कोई डैमेजेस नहीं होने वाला है, प्रॉपर फिटिंग के साथ फिनिशिंग के साथ काम होने वाला है। यहाँ पर कंपनी ने किसी प्रकार का कोई रिंग नहीं दिया है, इसमें डायरेक्ट थर्माकोल टाइप का ये पन्नी लगा हुआ है, इसके अंदर हम रिंग लगाकर हमारा स्पीकर इंस्टॉल करेंगे। ये हमारा इन्फिनिटी रेफरेंस का कंपोनेंट है, इसका भी अनबॉक्स हम आपको करके दिखाते हैं। ये हमारे अमजद भाई हैं, जो कि अनबॉक्सिंग स्पेशलिस्ट हैं, और काफ़ी बढ़िया और फटाफट ये सब चीज़ों की अनबॉक्सिंग कर देते हैं। और ये हमारा स्पीकर सामने आ चुका है इन्फिनिटी का, ये हमारा स्पीकर है, ये क्रॉस ओवर और ये ट्यूटर, और इसकी ये एसेसरीज सारी ये हैगी, और इसको भी हम आपको फिट करके दिखाते हैं। अरे ये वो 50 जहाँ पर हमारा स्पीकर लगेगा, इधर साइड से हम इसका थर्माकोल हटाकर हमारा ABS वाटर प्रूफ रिंग इंस्टॉल कर देते हैं स्क्रू ड्राइवर के थ्रू। इसके अंदर सारे रिंग हमने लगा दिए हैं, और अब हम इसकी वायरिंग कनेक्शन आपको करके दिखाएंगे। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि किसी प्रकार की कोई वायरिंग कटिंग नहीं होने वाली है, तो ये रहा उसका प्रूफ, जो कि यह हमारा स्पीकर का जो वायर है जो डोर के अंदर कंपनी ने इनबिल्ट दिया है, इसको क्या रहता है यहाँ से ब्रेक करके डायरेक्ट स्पीकर में लगाया जाता है, तो इसको हम कट नहीं करेंगे, और इसके अंदर से हम वायर प्लग टू प्लग उठाने वाले हैं। किस तरीके से उठाते हैं हम आप ये भी देखिए।
ये हमारी विदाउट वायरिंग कटिंग तैयार हो चुकी है और इसके अंदर किसी प्रकार का कोई वायर कट नहीं किया गया है। और अब ये हमारा जो तार है वो हमारे क्रॉसओवर पे जाएगा और क्रॉसओवर के थ्रू हमारे स्पीकर पे जाएगा और एक तार क्रॉसओवर से हमारा ट्यूटर पे जाएगा। इसके अंदर इनपुट आउटपुट आप देख सकते हैं। ये हमारे कनेक्शन है, वायरिंग कनेक्शन है। हमारे प्लेयर से इनपुट इस पे आएगा, इन पे प्लस माइनस पे, और आउटपुट ये हमारा ये जाएगा। ये ट्यूटर का है, ये बूफर का है। इसके अंदर ऊपर से पेचकस डालने की जगह है और इसके अंदर से आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से तार को लगा सकते हैं। और ये भी ये हमारा क्रॉसओवर, स्पीकर और ये ट्यूटर, सारी चीज़ें इसमें इंस्टॉल हो चुकी हैं और विदाउट वायरिंग कटिंग इसमें कनेक्शन भी हमने आपको दिखा दिया है। और अब इसका पैकिंग हम कर रहे हैं तो इसका साउंड टेस्ट भी हम आपको करवाने वाले हैं। स्पीकरों को फिट करके अब हम आ रहे हैं एंड्रॉइड स्टूडियो पे। ये फिटमेंट भी आप देख सकते हैं। इसके अंदर सॉकेट टू सॉकेट कनेक्शन जैसा कि हमने आपको बताया था, इसके अंदर भी वही होने वाला है। और इसको हम आपको फिट करके दिखाते हैं। कुछ इस तरीके से इसका मेल और फीमेल जो पॉइंट है, ये दोनों कपलर ऐसे इंसर्ट हो जाएंगे और इस टाइप से हमारा जो है एंड्रॉइड है विदाउट वायरिंग कटिंग इंस्टॉल हो जाएगा। अब हम आपको एंड्रॉइड ऑन भी करके दिखाने वाले हैं। यह हमारा एंड्रॉइड है जो कि BBT कंपनी का, हमने स्टार्टिंग वीडियो में आपको बताया था। 2GB 32GB रैम और रोम का ये एंड्रॉइड है। प्लस गोरिल्ला ग्लास के साथ है, IPS पैनल पे वर्क करता है। डिजिटल साउंड प्रोसेसर DSP इस पर ऑपरेट कर सकते हैं आप। स्पीकरों को काफ़ी अच्छी तरीके से एक्विलाइजर के थ्रू सेट कर सकते हैं और ये आप किसी भी कार के अंदर ईजिली इंस्टॉल करवा सकते हैं। अभी हम किया कैरेंस के अंदर इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। इसकी जो एसेसरीज है बाकी की, ये भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये हमारा सब वूफर आउटपुट और ये कैमरा आउटपुट, इसके अंदर आप अटैचमेंट लगा कर GPS एंटीना भी लगा सकते हैं और साथ में हमारे USB केबल्स भी इसमें कंपनी देती है। डबल USB केबल रहते हैं, आप एक डोंगल पे यूज़ कर सकते हैं, चार्जिंग पे और पेन ड्राइव पे यूज़ कर सकते हैं। तो आइए इसकी क्वालिटी हम देखते हैं। ये हमारा कैमरे का केबल है, ये भी सॉकेट टू सॉकेट है और इसके अंदर एंटीना लगता नहीं है, कंपनी फिट करके देती है उसको। खाली लीड के थ्रू हम अपने एंड्रॉइड पे इंस्टॉल कर देते हैं। और ये कैमरे की लीड भी जो है हमारे एंड्रॉइड में ही लगती है और इससे FM में आपको किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होता है और काफ़ी बढ़िया क्वालिटी से FM इसमें चला सकते हैं। इसका काफ़ी स्मूथ है और किसी प्रकार का हैंग या लैग नहीं होता है। और इसका मेन इंटरफेस की बात करें तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। एप्लीकेशन है, इसके अंदर आप ये रन कर सकते हैं और कोई भी एप्लीकेशन आप इजीली इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ये हमारा प्ले स्टोर है और प्ले स्टोर के थ्रू आप कोई भी एप्लीकेशन है इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। यूट्यूब, गूगल प्ले स्टोर, गूगल और गूगल मैप कंपनी इसमें इंस्टॉल करके देती है। और जैसे कि हमने DSP का बताया था आपको, ये हमारा DSP वर्ज़न, इसके अंदर आपके किसी भी तरीके से आपका डिजिटल साउंड प्रोसेसर एक्विलाइजर इसमें मैजिकल फिंगर द्वारा सेट कर सकते हैं। हमारा स्पॉइलर कारेंस का ब्लैक एंड सिल्वर रूफ स्पॉइलर है ये, जिसे रूफ रेल भी हम कहते हैं। डाइजेक्स कंपनी का है, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का ये रूफ रेल है। हम आपको इसका फिटमेंट भी दिखाते हैं। ये हमारा रूफ रेल है, काफ़ी बढ़िया फिनिश में आपको ये देखने को मिलता है। ब्लैक एंड सिल्वर कॉम्बिनेशन में कंपनी के स्टॉक फिटमेंट जैसा इसका फिटिंग है और आगे से पीछे तक काफ़ी वन पीस में ये इंस्टॉल होता है और कहीं से लगता नहीं है कि आफ्टर मार्केट वर्क है। काफ़ी बढ़िया फिनिशिंग के साथ आप ये रूफ रेल अपनी किया कैरेंस के अंदर इंस्टॉल करवा सकते हैं। मैंने आपको बताया कि ये क्वार्टर ग्लास हम इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं। ये क्वार्टर ग्लास 6 पीस के अंदर, सेट ऑफ 6 पीस के अंदर आता है। और अगर आपने शोरूम से 4 पीस लगवाए हुए हैं और आपको खाली रियर क्वार्टर ग्लास वाला पीस आपको परचेस करना हो तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट करके बता सकते हैं। शॉप का एड्रेस और कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफ़ी बढ़िया तरीके से ये 6 पीस लोअर गार्निश इंस्टॉल होने के बाद हमारी किया कैरेंस को एक नया लुक दे देती है। सेट ऑफ 6 पीस में ये डोरवाइज़र मेडिस्टो कंपनी का है। क्रोम लाइन होने के साथ ये आपको 2 क्वार्टर ग्लास पे और 4 डोर पर ये रेन वाइज़र देखने को मिलता है। सर अभी कंपनी ने हेलोजन बल्ब दिए हैं जो कि हमारा हेलोजन फोकस है इसके अंदर, और 55 वॉट का ये बल्ब है जो कि काफ़ी डिम रोशनी रात में देता है। और इसको रिमूव करके हम हमारा LED 156 वॉट मोको कंपनी का
18,000 लुमिनस पर ऑपरेट होने वाला मोको कंपनी का एलईडी लगाएंगे, तो इसका भी फिटमेंट हम आपको दिखाते हैं। ये रहा हमारा मोको कंपनी का एलईडी बल्ब, जो के प्रोविजन एलईडी 18,000 लुमिनस पर ऑपरेट होने वाला एलईडी है। 156 वोल्ट आपको इसके अंदर पावर मिल जाती है। कूलिंग फैन के साथ कॉपर ट्यूब भी मिलेगी इसके अंदर, और साथ में अमेरिकन टेक्नोलॉजी इसके अंदर है। अनबॉक्सिंग भी हम आपको करके दिखाते हैं। काफ़ी बढ़िया तरीके से ये पन्नी के अंदर पैक है, तो शावर भाई हमारे इसको ओपन करेंगे। शावर भाई इसको खोल के दिखाएं हमारे व्यूअर्स को। इसकी हमने पिन्नी निकाल दी है और इसको अनबॉक्स करके हम सबसे पहले इसके अंदर थैंक यू फॉर मोको का थैंक यू वाला आपको कार्ड देखने को मिलता है। 2 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी वाला कार्ड देखने को मिलता है और इसके अंदर एक मैनुअल आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हमारे एलईडी बल्ब की, जो के सबसे पहले इसके जो कैनवास है, जो डिब्बी है, इसको मोको की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। वारंटी कार्ड वाला सीरियल नंबर बल्ब पे भी देखने को मिलेगा, और इसके अंदर कूलिंग फैन के साथ आपको काफ़ी बढ़िया फिनिशिंग के साथ H4 वाला ये क्लैंप देखने को मिलता है, जो कि हम इसको फिट करने वाले हैं। इसके अंदर ये बल्ब आप देख सकते हैं H4 है, और 5560 वाट का ये बल्ब लगा है इसमें ओसराम का। इसको रिमूव हमने कर दिया है और हमारा ये LED हम इसके अंदर लगाने वाले हैं। देख रहे हैं हमारा LED इंस्टॉल हो चुका है, और ये वाले हेडलैम्प के अंदर कंपनी का हेलोजन बल्ब है, और इसके अंदर जो हमने LED लगाई है वो वाला लैम्प है, तो इसको ऑन करके भी हम आपको दिखाते हैं। इसके अंदर आप ये डिफरेंस देख सकते हैं, जो कंपनी का हेलोजन बल्ब है और ये LED बल्ब है, काफ़ी बढ़िया इसके अंदर डिफरेंस आ चुका है। हमारी LED काफ़ी बढ़िया फोकस कर रही है। ये LED आप भी अपनी या कैरेंस के अंदर लगाकर एक बढ़िया रोशनी ले सकते हैं, और आप इसका फोकस देख ही सकते हैं कितना ब्राइट है हमारा LED, और हमारा हेलोजन बल्ब के अगेंस्ट काफ़ी बढ़िया ऑपरेट हो रहा है। नाइट के अंदर आप इसके अंदर अपर डिपर करके देख सकते हैं कितना अच्छा क्लियर आपको रोज दिखेगा। आप इसका अनुमान लगा सकते हैं, तो किसी भी प्रकार की कोई वायरिंग कटिंग इसके अंदर होती नहीं है। सॉकेट टू सॉकेट कनेक्शन पर इसको लगा दिया जाता है। साथ में दोस्तों इसके अंदर हमने LED DRL लगाया है, जो कि बॉनेट और हेडलाइट के जस्ट गैप के अंदर लगाई जाती है, और नाइट के अंदर काफ़ी बढ़िया लुक इसके अंदर आ जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं एज आ आईब्रो इसके अंदर DRL लुक वाइज कितनी ज़बरदस्त लग रही है, और ये किया कैरेंस के अंदर बहुत ज़बरदस्त लुक के साथ लगा दिया जाता है। और आप भी अपनी किया कैरेंस के अंदर ये DRL लगवा कर अपनी गाड़ी को एक नया लुक दे सकते हैं। ये OD टाइप DRL आप मार्केट के अंदर आफ्टर मार्केट में कहीं भी इजीली लगवा सकते हैं। सो गाइस, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो कोई गलती रह गई हो तो आप हमको कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं। ये हमारा फ्लोर लेमिनेशन है, जो कि वन पीस में जैसा कि हमने आपको बताया था आगे से पीछे तक सेट होता है, और इसके अंदर हमारा कारपेट एरिया पूरा सेफ हो जाता है ताकि डस्ट से पानी से बचाया जा सके। और ये काफ़ी बढ़िया फिनिशिंग के साथ आपको ये लेमिनेशन देखने को मिलती है। लेदर टेक्सचर के अंदर पूरा प्रॉपर फिटिंग इसका आ जाता है। इसके ऊपर आप कोई भी रिमूवल मैट लगा सकते हैं, जैसे कि 5D 7D 3D या कोई भी कुशन मैट इस पर लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे सीट कवर्स की, जो कि एयर वेंटिलेशन वाले हमारे ये सीट कवर प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो चुके हैं। फुल ब्लैक के अंदर ये काफ़ी बढ़िया लुक दे रहा है। और अब हम चलते हैं सीधा हमारे कार ओनर के पास। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ में है उत्तम जी, जो कि सोहागपुर से आए अपनी किया कैरेंस लेके हमसे मॉडिफिकेशन करवाने। और अब हम जो है हमारे उत्तम भाई का रिव्यू लेंगे कि इनको कैसा क्या लगा, इनका फीडबैक हम पता करते हैं कि इनको एसेसरीज एंड्रॉइड सीट कवर ये सारी चीज़ हमने इंस्टॉल करी है। उत्तम भाई क्या कहेंगे आप, हमारे इधर से आपको काम करवा कर क्या फील आ रहा है? हाँ देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये इसका किया का बेस मॉडल है, लेकिन इसमें अभी तक वास्तव में इसमें कुछ काम नहीं था, लेकिन जब इन्होंने हमारा ये काम किया है, इसमें स्टेयरिंग से लेकर हमने पीछे सीट कवर्स और साउंड सिस्टम, एक बेहतरीन साउंड सिस्टम, जो मतलब इसमें बूफर की अलग से कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, हेडलाइट्स, लैंप, सब कुछ इन्होंने इतना बढ़िया लगा के दिया है, सर्विस, ये सब। क्वालिटी वाइज क्या कहेंगे आप, क्वालिटी आइटम की क्वालिटी क्या कह रही है? देखिए, क्वालिटी के हिसाब से मैं कहूँगा कि एज अ प्राइस ये बेस्ट प्राइस और बेस्ट काम, क्वालिटी में कुछ इसके बाद हमें नहीं लग रहा है कि अगले 5 साल तक हमको इसमें कोई भी चीज़ का मॉडिफिकेशन कराने की जरूरत पड़ेगी।
सो गाइस, जैसा कि देखा आपने, हमारे उत्तम भाई ने अपना फीडबैक दिया है और हमारे व्यूअर्स के लिए काफ़ी आसानी रहेगी कि देखने के बाद जो है मनोबल बढ़ेगा और आने के चांस ज़्यादा रहेंगे। सो उत्तम भाई, धन्यवाद, आपने हम पे भरोसा दिखाया। और सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।